गुरुजी, आपने कहा था मयूरा मेरी किस्मत में नहीं है, तो मैंने मयूरा के नाम की लकीर अपने हाथों में खींच दी। अब आप कह रहे हैं कि मयूरा इस लकीर की लक्ष्मण रेखा लांघ कर चली जाएगी, निकल जाएगी मेरी मुट्ठी से रेत की तरह। नहीं गुरुजी, ओमकार की जिद की मुट्ठी इतनी ढीली नहीं है कि उसमें से मेरी मयूरा रेत बन के निकल जाए। मैं मयूरा के नाम की इस लकीर को इतना गहरा कर दूंगा कि जन्मों जन्मों तक उसे कोई मिटा नहीं पाएगा, खुद मयूरा भी नहीं। ये हो गई मयूरा कैद मेरे हाथों की लकीरों में हमेशा हमेशा के लिए। देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। मंजरी जी, मशीनें भी जब ज्यादा गर्म हो जाती हैं तो फूक जाती हैं। कपाल को ठंडा करवाइए इसके, वरना सब नष्ट हो जाएगा। गुरुजी, आप हमारे घर आए, अच्छा लगा। प्रणाम। और हाँ, एक बात समझ लो और याद कर लो, मयूरा की खूबसूरती ना सिर्फ उसके लिए बल्कि तेरी जिंदगी में भी सबसे बड़ा अभिशाप बनेगी। गुरुजी, ऐसे नाराज होकर चले गए, गुनाह हो गया बेटा। हमें कोई गुरु गुरु नहीं चाहिए माँ, आपका आशीर्वाद और मेरी इज्जत काफी है हमारे लिए। और रही बात पूजा की, तो मुझे लगता है गुरुजी ने आके टोक लगा दी, इसलिए नजर लग गई है मेरी मयूरा को। पूजा तो हम करेंगे, बहुत बड़ी पूजा करेंगे माँ। आप एक पंडित बुला लीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। उस पूजा का आज रात 9 बजे शुरू होना बहुत जरूरी है माँ। अगर वो पूजा वक्त पे शुरू और वक्त पे खत्म नहीं हुई तो वो पूजा असफल हो जाएगी। पूजा तो हम करेंगे बेटा, पर बहू अभी सो रही है और जागने के बाद पता नहीं वो इस प्रकार की पूजा के लिए हाँ करेगी भी या नहीं। तो और मैं दोनों उसे जानते हैं बेटा। वो सब मुझे नहीं पता माँ, मुझे बस इतना पता है कि मयूरा का उस पूजा में बैठना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है शायद मैं गलत टाइम पे आ गया। आजा बच्चे। वो भैया, मैं जानता हूँ कि मयूरा की तबीयत ठीक नहीं और इस वजह से आप बहुत स्ट्रेस में, लेकिन आपको इस वक्त ऑफिस निकलना होगा। इतना बड़ा मीडिया इवेंट है, इतने लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस है और अभी तक हमारे फाइनल सैंपल्स तक रेडी नहीं है। आप फाइनल सैंपल सेलेक्ट करने के लिए हमें आपकी पार की नजर की जरूरत है भैया। इस वक्त नहीं बच्चे। ओमी, जाना बेटा,
कितना नुकसान करेगा अपना। पीयूष, मेरा एक काम करना। जी मैं काम तो कर दूंगा आपका, लेकिन सब ठीक है ओमी भैया? ऐसे मुझे लगा कि क्या लगा और लगने की जरूरत क्या है? अपना दिमाग खर्च मत कराकर जितना कहा जाए उतना ही किया कर बस। लगा ठीक है। सॉरी आने में लेट हो गया, वो बाइक खराब हो गई थी। भाई साहब समय की कीमत होती है और वो कोई बहाना नहीं सुनता, कि आप जानते हैं। चलिए अब ये थाली उठाई क्यों नहीं अभी तक? मैं कितनी बार समझाया है, पूजा के पुष्प है, इन्हें हाथ मत लगाया करो, संभाल के जरा। अरे ये कहां से अटपकी? इसके सामने कैसे होगी पूजा मयूरा के साथ? रुई का लच्छा नीचे गिर गया था। पूजा के दिए की बातियां बनानी थी इससे, नेल पॉलिश साफ नहीं करना था, हाथ लगा के दूषित कर दिया। हाँ तो मुझे थोड़ी ना पता था ये। तेरे पति को तो पता था ना, फिर भी देर से आया और तुझे साथ ले आया। तेरे घर में ये बिना बताए लोगों के घर जाते आते हैं क्या? आप मेरे पति को नौकर समझ सकती हैं, लेकिन मैं आपकी नौकर नहीं हूं। पता लग रहा है तेरी गिटर पिटर से, वकील है ना तू? लेकिन ये ना मेरा घर है, तेरी कचहरी नहीं। हाँ तो मेरी छोटी बहन का भी घर, उसी से मिलना है मुझे। नमस्ते। ए, कहाँ चली? कंपनी बाग है क्या, जहां मुंह उठाया निकल लिए टहलने के लिए? अभी तो बताया मैंने आपको, मुझे अपनी बहन से मिलना है। नहीं मिल सकती उससे, अभी जाओ बाद में आना। क्यों नहीं मिल सकती? ऐसा क्या कर रही है वो कि मैं नहीं मिल सकती? वकील है? नहीं का मतलब नहीं ही होता है, समझ में नहीं आता तुझे? जा। इसे पता चला मयूरा बेहोश है तो हाय तौबा मचा देगी, फिर वो पिताश्री आ जाएंगे मयूरा के, रही सही कसरत पूरी करने। पूजा तो समय से ही शुरू करनी है मुझे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। धन्यवाद। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। अरे सर जी, संगमरमर नहीं खरा सोना है, चेक कर लीजिए। ये संगमरमर सोना नहीं, पत्थर कहलाने लायक भी नहीं है। कोई और सैंपल लेकर आओ। जी अभी लेकर। अच्छा साढ़े सात बजे हैं अभी, काम निपटा के जल्दी से घर पहुंचना है पूजा के मुहूर्त से पहले। उम्मीद मैं चलूं? तुम इसके बाद घर ही जाओगे ना? ठीक है भाई साहब, आप जाइए। एक बार माँ को फोन करके पूछ लेता हूँ सब ठीक तो है। जी माँ, घर पर सब ठीक है? संजय जी निकल गए,
ओमकार सर भी चले गए होंगे। मैं बस 10 मिनट में निकल रहा, पूजा के लिए लेट नहीं आऊंगा। मुझे कुछ काम है, तुम लोग ये साफ सफाई खत्म करो। दरवाजा खोलो। बल्ली, चंदन, 8 बज गए। कुछ भी करके मुझे 9 बजे घर पहुंचना है। उनकी बैटरी को भी अभी खत्म होना था। कोई है बाहर? मीरा शाम के वक्त क्यों सो रही? शाम को तो कभी नहीं सोती। फूल था, मुझे लगा कुछ कचरा पड़ा है। पूजा में देर से पहुंचा तो सब खराब हो जाएगा। शुद्धिकरण करना तो बहुत जरूरी है। ये नर्मदा मैया किस चीज का शुद्धिकरण? वैसे आशीष बनाए रखना। बस अब जरूरी है कि ये मयूरा कुछ एक घंटों तक बस ऐसी सोती रहे, तब तक जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती। उम्मीद 9 बजने को है, कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं अभी तक? सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। हर हाल में मुझे 9 बजे तक घर पहुंचना है। क्या करतब कर रही है ये रिंग मास्टर ने मेरा के साथ? माता जी, मुहूर्त होने वाला है और इस पूजा का समय में शुरू होना बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। और कहाँ है सरदार जी? ओमी मुहूर्त का पक्का है, और वैसे भी दुनिया एक तरफ, ये मयूरा एक तरफ। कहाँ रह गया मेरा बच्चा ये? मुझे यहाँ से निकलना होगा।
पूजा का मुहूर्त पे शुरू होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये मयूरा के बेहोश रहते रहते ये पूजा संपन्न हो जाए। बेहोशी की दवा तो मैंने इसे पिला ही दी है, बस पूजा संपन्न होने तक इसे होश नहीं आना चाहिए। जाना बेटा, कहाँ ले गया तू? कौन है वहां? माता जी, अब तो 9 भी बज गए, अब तो पूजा सही से मैं पर शुरू नहीं हो पाएगी। मयूरा की खूबसूरती हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए पूजा कर रहा हूं, ताकि वो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी रहे, कभी मुझसे दूर ना हो। उसकी खूबसूरती गुरुजी के हिसाब से मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, इसको झुटलाना है मुझे। माँ माँ, इस पूजा का सही समय पे शुरू होना बहुत जरूरी है। माँ माँ, मेरी घड़ी टूट गई, मुझे आने में देर तो नहीं होगी? तो बिल्कुल सही समय पे आया है ओमी, तेरी पूजा सफल होगी बेटा। ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? जो कुछ भी है मयूरा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। गंगा जल, मैं शुरू करता हूँ और आगे फिर आगे कुछ नहीं, आगे पीछे क्या करना है मैं वो देख लूंगा। मुझे ये पूजा मयूरा के लिए करनी है तो करनी है। जी। मुझे बार बार बारंबार लगता है कि यहाँ कोई है। कौन है? पूरे मन से पूजा कर रहा हूँ, उसे कैसे बोल दूँ कि पूजा का मुहूर्त निकल गया है? पूरा एक मिनट देर से पूरा शुरू हुई है, ऐसा कह के मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। क्षमा कर दो नर्मदा मैया मुझे। ये सब आपकी खातिर मयूरा, ताकि हमारी बंधन की गांठ कभी ना खुले, आप कभी मुझसे दूर ना जाएं, और आपकी खूबसूरती हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए, सिर्फ मेरी। जिंदगी में जो कुछ भी खोना था ना, बचपन में खो दिया मैंने, अब मेरी जिद पाने की है मयूरा। आपको पाके मैं गवा नहीं सकता मयूरा, और अब इस जिद को सच करने के लिए मैं तप करूंगा मयूरा। ये इंसान तो पागल है मयूरा की खूबसूरती के पीछे। किसी को अपने पास रखने के लिए इतना तप लगन पूजा कौन करता है?
अग्नि दीजिए। मैं पूरे मन से प्रार्थना करूंगी योगी कि मयूरा मयूरा इस बात को समझे कि तूने उसके लिए कितना तप किया। आज तक केवल पत्नियां अपने पति के लिए हर व्रत हर तप किया करती रही हैं, लेकिन तू दुनिया का पहला पति है जो अपनी पत्नी को अपने पास रखने के लिए इतना बड़ा तप कर रहा। तू जो कर रहा है ना ओमकार वो अतुलनीय है, अनसुना अनदेखा है, अभूतपूर्व है और अद्भुत भी है। तेरी ये प्रतिज्ञा हर पराकाष्ठा से परे है मेरे बच्चे। मुझे अंदाजा भी नहीं है तो कितनी खुशकिस्मत है मयूरा जो तुझे मेरे ओमी जैसा पति मिला। आप बेहोश है मयूरा, अभी आपको इसके बारे में नहीं पता। बस इतना जान लो मयूरा, आज से हमेशा के लिए मैं आपका हूं। मैंने हमेशा के लिए आपको अपने हाथों की लकीर में लिख लिया है और मुट्ठी कस के बंद कर ली है। आपकी खूबसूरती हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास महफूज है। ये कैसा पागलपन है, कैसा जुनून है ये? बचपन से बहुत दीवाने देखे तेरे मेरा, लेकिन ये तो अपने आप में इकलौता है। अपनी पत्नी की खूबसूरती के लिए इतना पागल है जो अपनी पत्नी की खूबसूरती को सिर्फ अपने पास सहज के रखने के लिए अंधविश्वास की हद तक जा सकता है, ये तो मैंने पहली बार देखा। मेरी बद्दुआ लगेगी तुझे, तू देखना तू और तेरी खूबसूरती एक दिन इसी पिंजरे में कैद होके रह जाएंगे। तुझे मेरी नजर लग चुकी है मयूरा, तू और तेरी खूबसूरती इस ओमकार नाम के पिंजरे में कैद हो चुकी है। तू सही कहती थी मयूरा, तेरी खूबसूरती तेरे लिए अभिशाप है। अब मेरे हाथ ध्रुव का इक्का लग गया है, तेरा पति। अब तू देखना मैं क्या क्या कांड करती हूँ। मान गई तुझे ओमी, दुनिया भर के पति अपनी पत्नियों को अपने वश में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, और तू मेरी बात मान। मैं जब कल बताऊंगी ना मयूरा को कि तूने इसकी तबीयत ठीक करने के लिए कितना बड़ा तप किया रात भर, वो भी ये मयूरा ना तेरे भरोसे तेरे प्यार और तेरे विश्वास के पिंजरे में कैद हो जाएगी। अब इतने सारे पिंजरे तोड़कर भला कोई कैसे निकल सकता है ना?